हेलो दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। आज इस वीडियो में एक छोटी सी अपडेट ला रहा हूँ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के क्यूरी के बारे में कि क्या एक बार रेजिग्नेशन या इस्तीफा देने के बाद यदि वह अप्रूव हो जाता है, स्वीकार हो जाता है, तो क्या आप उसे विथड्रॉ करा सकते हैं। देखिए दोस्तों, इस पर माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर का एक निर्णय भी रहा है, उसका स्टेटमेंट भी रहा है कि जब आपका इस्तीफा स्वीकार हो जाता है, व्हेन योर रेजिग्नेशन इज अप्रूव्ड, देन योर एंड योर्स हायर, उनका जो रिलेशन है वो ख़त्म हो जाता है और आप उन्हें फोर्स नहीं कर सकते को आपको अगेन रिक्रूट करें। देखिए दोस्तों, जो लीगन पीरियड रहता है, मतलब जो टेक्निकल आप स्विच करते हैं किसी जॉब में, जॉब इस्तीफा देने के बाद जाते हैं, तो आपको 2 साल का वक्त मिलता है कि आप अगेन उसी पोस्ट पे आ सकते हैं, ठीक ना। लेकिन जब आप इस्तीफा देते हैं किन्हीं अन्य कारणों से और आपका रीज़न कोई जॉब स्विच करना नहीं होता है, या फिर आप नॉर्मल सा आप टेक्निकल रेजिग्नेशन ना देके आप सीधा तौर पे इस्तीफा देते हैं, तो ऐसे में वापस आपको नहीं लाया जाएगा। बाद में देखिएगा क्या गवर्नमेंट ऐसा कर सकती है, क्या वापस ला सकती है आपको सर्विस में। तो गवर्नमेंट है, उसके पास असीम पावर है, वो कुछ भी कर सकती है, लेकिन यूजुअली या जनरली तौर पर ऐसा नहीं होता है। तो मध्य प्रदेश का जो एक निशा मैम का है कि उन्होंने इस्तीफा दिया SDM की पोस्ट से, एंड देन सी अगेन वांटेड टू बिकम ए पार्ट ऑफ एमपी गवर्नमेंट, वो फिर से जॉब ज्वाइन करना चाहती हैं इस्तीफा मंजूर होने के बाद। तो ऐसे में देखिएगा ज़्यादा चांसेस यही लग रहे हैं कि मे बी कि उनको जो जॉब अपॉर्चुनिटी है दोबारा ना मिले, क्योंकि एक बार इस्तीफा स्वीकृत होने के बाद उसमें कोई हक नहीं रह जाता, क्योंकि ये टेक्निकल कोई रेजिग्नेशन नहीं था बल्कि डायरेक्ट रेजिग्नेशन था। दोस्तों, कोई भी अपडेट होगी मैं बताऊँगा। अपने धन्यवाद।